प्रश्न करो फिर उत्तर दूंगा। रामायण की पहले रामायण की रचना कैसी हुई पंडित जी? ऐसा है, महर्षि वाल्मीकि जी थे जिनने ब्रह्म तत्व को जाना, जिनने तपस्या करी, उनका नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा था, वाल्मीकि बोलते डिम्बक को, और डिम्बक जो है ना उनके चारों तरफ शरीर पर मिट्टी चढ़ा दी थी, इतने मतलब कि ब्रह्म में और इतनी विद्या उनकी निपुण थी, मतलब कि तपस्या में लीन हो गए, उनको ये भी नहीं पता लगा कि भी मेरे जो है शरीर पे डिम्बक मतलब कि चल रही है, तो किसी ने देखा तो उनका नाम वाल्मीकि प्रसिद्ध हुआ, वाल्मीकि पढ़ने पे नाम। और उनके पास जब सीता माता जो है मतलब कि जब रावण के यहाँ से मुक्त हुई, रावण के यहाँ से मुक्त होकर के सीता अयोध्या आई, तो एक दो भी ने उनके ऊपर उंगली उठा दी राम जी पे, भी इतने साल वहाँ रह करके आई है, तुमने इसको अपनी शरण दे दी, इसको ये ठीक नहीं है। हालांकि सीता अग्नि परीक्षा दे करके आई थी, और अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता माता को ये बोला कि भाई लक्ष्मण को बोला गया रात को भी सवेरे इसको अपना छोड़ाना, सुबह उठते ही सार जो है लक्ष्मण जी अपने दिल पर पत्थर रख करके, उनको तो पता था क्योंकि अग्नि परीक्षा हुई, जो जो हुआ उनके सब के आगे था, तो लक्ष्मण ने जो उनको सीता जी को छोड़ करके आए, तो उसके बाद जो है सीता जी जैसे अपना भाई होता ही है इतने साल तो वन में रही, फिर दोबारा वनवास मिल गया, वनवास मिलने के बाद तो उनका जो है गर्भवती थी सीता जी, तो उनको वहाँ जंगल में वाल्मीकि जी मिले और वाल्मीकि जी की कुटिया में रहे, और साथ ही साथ वाल्मीकि जी ने जब वहाँ पर माता सीता रहने लगी, लव और कुश का जन्म हुआ, लव का जन्म तो हुआ माता सीता से, और कुश से वाल्मीकि जी ने कुश को बनाया, दाब से कुशा बोलते हैं उसको, कुशकंडी है जिसके पूजा में रहता है, और कुशा भी अमृत है, अभी जैसे हमने बताया कि गन्या भी अमृत है, तो अमृत कलश की बूंद गिरने से कुशा की उत्पत्ति होती, जब भी हर एक पूजा में कुशा ली जाती है। फिर उसके बाद जो है कि वहाँ पर लव और कुश को भगवान की जो राम की लीलाएं हैं बचपन बाल्यकाल से, रामायण की जो घटना है वो सारी उनको एक गायन के रूप में सिखाई गई, और उन्होंने जाकर के वहाँ पर जो है वाल्मीकि जी के ज्ञान से और उनके प्रभाव से वो सारी रट करके वहाँ पर जा राम जी को सुनाई। उनको पता नहीं था ये हमारे पुत्र है लव और कुश, उनको बाद में पता लगा, पर फिर इतने में ही क्या हुआ कि लव और कुश जब बाप के पास पहुंच गए, अश्वमेघ का यज्ञ का घोड़ा उन्होंने हरण कर लिया, उनका मतलब कि अपने पास रख लिया, युद्ध हुआ, उनको फिर पता लगा भी ये क्षत्रियों का खून है, भी कोई ना कोई राजा इनका पिता है, जब भी इतनी बाण और कला में निपुण है। तो उसके बाद जो है भगवान ने क्या किया, राम जी ने फिर सीता माता दोबारा आई, तो जब वहाँ पर पहुँची तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सीता माता का फिर मन ऐसा हो गया भाई अब तीसरी बार तो मैं अपमान नहीं सह सकती, तो उन्होंने धरती को आह्वान किया, धरती पुत्री थी क्योंकि जितना रक्त गिरता था ना रावण युद्ध करता था या ऋषियों को मारता था, वो खून की एक अंडी बढ़ गई थी, उससे उत्पत्ति सीता की हुई थी, और उनके यहाँ अकाल पड़ गया था, जिनके यहाँ थी राजा के यहाँ, उन्होंने वो रावण के यहाँ उन्होंने उठा करके यहाँ पर जो सीता की उत्पत्ति है वो कैसे हुई वो बता रहे हैं, तो उन्होंने राजा जो है अपना उनके जो पिताजी थे जनक जी, जनकपुरी में डुबा दी थी सीता माता के, और जब उन्होंने पहला हल चलाएगा तब यहाँ बारिश होएगी, नहीं तो जनकपुरी में वर्षा नहीं हुई थी, अकाल राजा ने हल चलाया तो सीता की उत्पत्ति हुई, कलश से निकली सीता, और वो उसका काल थी रावण का, क्योंकि उसी ने ही वो रक्त इकट्ठा कर रखा था ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का जो भी था, और फिर वो जो राजा जनक के यहाँ उत्पत्ति होकर के पली और बड़ी हुई, और वहाँ आकर के जब उन्होंने धरती में अपना स्थान ग्रहण कर लिया, बाद में जो है धरती में ही समागी, सीता की उत्पत्ति धरती से ही हुई और धरती में ही समागी। बोलो सीता माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय।